निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं मोहितेंद्र सिंह और MTTV इंडिया पर आज बात अजमेर की एक ऐसी जगह की जो अक्सर सुर्खियां बटोरती ही रहती है, कभी जलभराव की समस्या को लेकर तो कभी हड़ताल को लेकर, तो कभी डॉक्टरों की कमी को लेकर, तो कभी लंबी लंबी कतारों को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहाँ के डॉक्टर कभी भी हड़ताल पर बैठ जाते हैं। यह है अजमेर का JLN अस्पताल, जहाँ हाल ही में अजमेर कलेक्टर जब अचानक निरीक्षण करने पहुँचे तो कलेक्टर साहब खुद हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अस्पताल में सैकड़ों डॉक्टर गैर हाजिर मिले। अब इन डॉक्टरों से तो खुद कलेक्टर साहब भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि भिड़ गए तो हो सकता है डॉक्टर फिर हड़ताल पर चले जाएं। खैर सब छोड़िए, किसी ने कहा है आदमी गलतियों से ही सीखता है, पर ना जाने इस अस्पताल का प्रशासन कितना सीखना चाहता है कि गलतियां सुधर ही नहीं रही हैं। और इन्हीं गलतियों के बीच एक गलती शनिवार को MTTV इंडिया भी करने के लिए अस्पताल पहुंच गया, जहां हमारी टीम को पता चला कि अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में 3 दिनों से इंटरनेट ही बंद पड़ा है। तो हमने सोचा क्यों ना वहां जाकर पड़ताल की जाए। तो पड़ताल में हमें पता चला कि 3 दिनों से आउटडोर, इमरजेंसी और कई विभागों में इंटरनेट ही बंद पड़ा है, जिसकी वजह से अस्पताल के ऑपरेटर्स और मरीज दोनों ही काफी परेशान हैं। सर्दी का मौसम है, मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ऑपरेटर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अस्पताल में अब ऑनलाइन नहीं बल्कि हाथों से पर्चियां बना रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अस्पताल में हाथों से पर्चियां कट रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे सूत्रों के मुताबिक इंटरनेट न चलने की वजह से भामाशाह के मरीजों को दाखिल करने में, डिस्चार्ज करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही MTTV इंडिया की टीम ने कुछ परेशान ऑपरेटर्स से बात की है, चलिए देखिए उनका क्या कहना है। हमारे को नेट बंद होने के कारण भामाशाह नहीं कर पा रहे और मरीजों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम इनका डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे, इनका एडमिशन नहीं कर पा रहे, इसके कारण इनकी भीड़ लगी जाती है और भीड़ लगने के कारण आगे से मरीजों को परेशानी होती है और स्टाफ हमारे को परेशान करता है आके। कितने दिन से ये 3 दिन हो गए केबल फॉल्ट के कारण। कंप्लेंट करी इसकी नहीं? कंप्लेंट तो हम हमारे इंचार्ज से भी करते हैं और इंचार्ज इनसे करते ही हैं। आई टी सेल वाले बोलते हैं कि सही हो जाएगा, मगर वो 3 दिन से अभी तक हो ही नहीं रहा है। आपका नाम? कमल। क्या हुआ? मैं ऑपरेटर भैया। 2 दिन से नेट नहीं चल रहा है और वो केबल फॉल्ट के कारण और ऑफलाइन काम करना पड़ रहा है, मरीजों की परेशानी भी देखते हुए पूरे हॉस्पिटल में नेट बंद है 2 दिन से। दो दिन हो गया आज। मरीजों की भीड़ मतलब बहुत भीड़ हो रही है। और आप लोगों को क्या असर पड़ रहा है? हमारा तो हाथ से काम करना पड़ रहा है, नहीं तो ऑनलाइन कंप्यूटर से काम होता है। समय ज़्यादा लग रहा है। मरीज परेशान भी हो रहा है। कौस्तु पार्टी। हमारे जो इनका जो इंटरनेट लाइन का जो रैक है उसके साथ में जो UPS जुड़े हुए हैं, उस UPS का जो रूम है हमारा सर्वर रूम, वहाँ किसी कारणवश 440 वोल्टेज आ रहा था। उस हायर वोल्टेज की वजह से हमारे जो UPS थे उनमें फॉल्ट आ गए थे। कल PWD के AEN इलेक्ट्रिकल्स और हमारे वर्कशॉप ने मिलकर उस फॉल्ट को रिपेयर कर दिया है। फॉल्ट ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ अर्थिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अर्थ ज़्यादा आने की वजह से अभी PWD इलेक्ट्रिकल्स के जो इंजीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको अभी मशीन को चलाना ठीक नहीं होगा, तो हम अर्थ की रिपेयर चल रही है, जैसे ही वो होती है हमारी मशीनें चालू हो जाएंगी।